कैसे आप सब। तो बहुत दिन बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी था और शॉर्ट वीडियो में बनाती हूँ। बहुत दिनों बाद मिले उसके लिए सॉरी लॉन्ग वीडियो के लिए, बट शॉर्ट वीडियो में डालती रहती हूँ। और अभी मैंने जो लिप पे मेहंदी हैक ट्राई किया है, तो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज आप वहां से जाके चेकआउट करो। और ये देखो 2-3 दिन तक तो आराम से ये रहेगा ही रहेगा, बट मेरे को भी आपको ऐसे ही सूट करके दिखाना पड़ता है। क्या करें, हैक तो हैक है और ट्रेंड में रहने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक करें, और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं बहुत ज्यादा आजकल जो अपने वीडियो में यूज कर रही हूँ जो मेकअप, मैं उसको दिखाऊंगी, और जो मेरा बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट है मैं उसको भी बताऊंगी कि मैं कौन सा आजकल यूज कर रही हूँ। जिससे मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करते हैं कि आप इतना मेकअप करते हो पिंपल्स वगैरह हो जाएगा, तो वैसा कुछ ही बात नहीं। आप डबल क्लींजिंग करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस मेरी स्किन देख सकते हो, कोई पिंपल वगैरह नहीं है। तो आप भी जब भी मेकअप करो तो डबल क्लींजिंग जरूर करो मेकअप रिमूव करने के बाद, क्योंकि आपका जितना भी मेकअप लगाए हो अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद होम रेमेडीज में बहुत सारा मैं शेयर करती हूँ, आप मेरे वीडियो पे नए हो तो होम रेमेडीज भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं जब उनको ग्लोइंग बना सकते हो जो कि मैं बहुत ज़्यादा अभी आजकल मैं लगा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जाके देखिए वहाँ से, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो में लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस हाइलाइटर है प्राइमर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसको आप लगाते ही स्किन में ये देखना बहुत अच्छा हो जाता है। ये प्राइमर है जिसको आप लगाओगे तो बहुत ज्यादा हाइलाइटर जैसा लगेगा, इस पर हाइलाइटर भी है, तो ये बहुत अच्छा और आपकी स्किन में बहुत जल्दी ये मिल जाता है। ये देखो बहुत बहुत, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब मैं क्या बताऊं। आप ये देखो डिफरेंस देख सकते हो, तो आजकल ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाइलाइटर अच्छे रेंज में मिल जाएगा, जिसकी मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जरूर चेकआउट करना, और बहुत ज्यादा अच्छा है। आप हर एक मेकअप में लगा सकते हो, जो भी मेकअप बेस बना रहे हो उसके पहले लगा सकते हो, बहुत बहुत अच्छा है। मैं आजकल बहुत ज्यादा इसे यूज कर रही हूँ। सेकेंड है ये पर्ल का, स्विस ब्यूटी का ही है, जो कि हाइलाइटर है, लिक्विड हाइलाइटर बेस मेकअप है। इसको भी आप जैसे प्राइमर लगा रहे हो या फाउंडेशन के बीच में इसको मिक्स करके लगाओ, बहुत बहुत ज्यादा इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। और आजकल तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है अमेजोन पे, तो प्लीज मैं इसका भी लिंक दे दूंगी, आप जाके बाय जरूर करना। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मार्स का ये आई शेडो पैलेट, जिसको मैं इतना ज्यादा यूज की हूँ, इतना ज्यादा इस मंथ यूज की हूँ, मतलब क्या ही बताओ। इसमें आप बिगनर्स हो तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बिगनर्स को यहाँ पे ऑल चीज मिल जा रहा है। ये देखो हाइलाइटर, ब्लश, आई शेडो, मतलब सब शेड मिल जाएगा। मैं तो आजकल ना लाइट आई शेडो लगाने के बाद उसी पे डार्क आई शेडो से लाइनर ड्रॉ करती हूँ, जिसको आजकल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिससे आप यहाँ से मेकअप सेट भी कर सकते हो। जैसे आप ना प्राइमर लगा रहे हो आई प्राइमर, तो उसके बाद इससे सेट कर सकते हो, या ऐसे भी लगा सकते हो। ये बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसमें सिमरी भी लुक मिलता है, जिससे आप आईब्रो भी फिल कर सकते हो। आजकल ब्राउन आईब्रो फिलर बहुत चल रहा है, तो मतलब बिगनर्स के लिए बहुत बहुत अच्छा है, आप जरूर इसे बाय करो। वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो किट, जो कि बहुत, इसको भी मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ, सेम वैसा ही है, इसमें बस आपको अलग सा कलर मिलेगा। तो आप इसे भी ना आई शेडो, हाइलाइटर, लिपस्टिक, काजल सब लगा सकते हो। आज मैंने ये वाला ब्लैक से आईलाइनर ड्रॉ किया है, जो जरूर ट्राई करना। इसमें आपको दो शेड मिल जाएगा, जिससे आप आईब्रो अच्छे से फील कर सकते हो, और उसके बाद हाइलाइटर का भी ऑप्शन है, इससे आप आई शेडो के रूप कॉम्पैक्ट भी है। जैसे कॉम्पैक्ट कहने का मतलब आप प्राइमर के बाद, आई प्राइमर के बाद अपने आईज को सेट करते हो, तो इससे सेट करना बहुत अच्छा है। उसके बाद हाइलाइटर भी देखो कितने सारे ऑप्शन है, आप जैसा आपकी स्किन टोन है वैसे लगाना, बहुत ज्यादा अच्छा। अगर आप बिगनर्स हो तो कोई कोई चीज जरूर बाय कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा है। एक एक प्रोडक्ट से 2-3 काम निकल जाए तो और क्या ही कहना। उसका वीडियो आपने बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया था, वो है रेने मेडलिस लिपस्टिक, जो कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है।
तो इसका इसकी भी लिंक मैं दे दूंगी आपको। तो ये देखो, ये ब्लैक लिपस्टिक है जो कि आजकल बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, तो मैंने भी मंगाया था। ये देखो बिल्कुल ब्लैक है, आप इसे लगाओगे तो ब्लश बहुत अच्छा से काम करेगा। तो ये देखो, मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत नेचुरली और बहुत सॉफ्ट लगेगा, जिसको लगाने के बाद आपको बहुत नेचुरल फील भी, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसे एज ए लिपस्टिक लगा सकते हो, एज ए आई शैडो, एज ए ब्लश है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। एज अ बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है जो मैंने आपको शेयर किया, और बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो मेरी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर। वीडियो आएगा फाउंडेशन के ऊपर, तो आप अगर नहीं देखे हो तो प्लीज जाके देखना, वो भी मेरे चैनल पे अब जाके अपलोड होगा। तो प्लीज मेरे चैनल पे अभी नए हो तो क्या करना, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।